धमकी देखी गई है कि पूरे परिवार को जेल में डलवा सकती है। वो पूरी फैमिली को जेल में डाल सकती है बोलकर कि सबने उससे शादी के झूठे वादे किए थे। पता नहीं, पहले तो आरती जेल जा सकता था, पूरी फैमिली पे बात आ गई है। उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसे फेल है। आज रात को आरटीओ मेरे डिवोर्स के पेपर्स लेके आई। क्या? आर्मी के साथ शादी करने के लिए पहले आरवी और मुझे वो डिवोर्स पेपर में साइन करने पड़ेंगे और फिर वो आरवी से शादी करेंगे। वो ये सब बोल के गई है दिया। मैं मुझे लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सब गलत कर दिया, मेरे मुझे सब बिगड़ गया। मेरे मैंने क्यों शादी के लिए उसे कहा, क्यों बोला? पर मुझे नहीं लगा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ेगी। तो फिर अब क्यों छोड़ा? उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ा है। उसने मुझे ये बोला कि ये सब होने से पहले उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया। वो आर्मी से शादी कर लेगी, दोनों की शादी हो जाएगी। क्या मैं क्या करूंगी? मैंने सब खराब कर दिया यार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो शांत शांत हो जा प्लीज, ऐसे रो मत ना यार। हाँ भाभी, आप तो स्ट्रांग हो ना, आप ऐसे प्लीज हिम्मत मत हारो। दी देख, तू हिम्मत हार जाएगी तो फिर जीजू का क्या होगा? नहीं दी, तू अपने कॉन्फिडेंस को ना बिल्कुल लूज मत होने दे, ठीक है? मुझे पता है तू अपनी हिम्मत क्यों हार रही है, क्योंकि सब तुझ पे शक कर रहे हैं, सब तुझे ब्लेम कर रहे हैं, इसलिए तू अपनी हिम्मत हार रही है। लेकिन दी, तू जरा सोच, तूने कुछ सोच समझ के उस नेत्रा को ऑफर दिया होगा ना शादी का, तो ऐसी थोड़ी ना तू उसको बोल देगी कि शादी कर ले। और दी, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, एंड आई एम श्योर तू जानती है कि उस नेत्रा से जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले उसने जीजू को फंसाया, फिर हरमन अंकल को। तूने कुछ और भी तो सोच के रखा होगा ना? हाँ भाभी, कोई तो प्लान भी होगा ना, मतलब कुछ तो सोचा होगा आपने। और वो क्या था? हाँ दी, तू याद कर, क्योंकि मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तूने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। हाँ सही कह रही, मैंने प्लान भी सोचा था। थैंक्स, तूने याद दिलाया, थैंक यू। अरे फिर थैंक्स, लेकिन प्लान तो बता दिया है। हाँ। नहीं नहीं, वो मैं अभी नहीं बता सकती। मुझे मुझे आरवी के पास जाना है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मैं जाती हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे भाभी, पर